छः महीने का साथ था सुनील भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पाल इस वक्त उदय भैया के साथ में खड़े हैं और उदय भैया इस वक्त मुझे लगता है एमपी के अभी आजकल लोगों को वायरल होने का शौक सा पैदा हो गया है आफ्टर डब्बू। मुझे लगता है कि ये अपने बच्चे के अबू जो है ये हमारे वेब सीरीज में खेलने वाले, क्योंकि आजकल टी सीरीज के बाद कोई अगर सीरीज चल रही है तो वेब सीरीज, और वेब सीरीज में ये भाई साहब जो है उदय भैया जो है दो शब्दों को लेकर बहुत अच्छी वेब सीरीज आपके सामने पेश की जाएगी अभी। और इस वेब सीरीज नो प्रॉब्लम के 10 एपिसोड शूट हो चुके हैं जो 10-10 दिन के अंतराल पे जिसका उद्घाटन होना है यहाँ पर। और इसमें खास बात यह है, ये कॉमेडी पर यानी हास्य पर आधारित आपके सामने पधारेंगे। ब्लैक लाइट मार दो यार। लोकप्रिय प्रतिष्ठित अभिनेत्री उपासना जी पधार चुकी हैं, तो उपासना जी को वहां बैठाने के बजाय हमारे निर्माता निर्देशक निवेदन है कि अगर वो सीधे यहां पे ले आए तो हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। हमारे निर्माता निर्देशक अजय जसवाल और दिनेश दुबे, आपसे निवेदन है कि हमारे कलाकारों के साथ यहाँ पर पधारे। आप सबको दिनेश जी और अजय जी, आप उपासना जी को, त्रिपाठी जी को, उदय दाहिया जो है किनारे खड़े हैं हमारे इस वेब सीरीज के निर्माता अजय जसवाल जी, और उनके बगल में है उदय दाहिया जो जाने माने कॉमेडियन लाफ्टर शो में आप कई बार इनको मतलब देखते रहते हैं अक्सर, बहुत लोकप्रिय कलाकार हैं। और साथ में है जयशंकर त्रिपाठी जी, इसमें आप इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले कलाकार जयशंकर त्रिपाठी हैं। और उपासना जी, आप सब जानते हैं कि जो कॉमेडी होती है, जो हास्य होता है, उसमें जो अभिनय का एक कीर्तिमान बनाया है कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के जहाँ भी हिंदी उर्दू जानने वाले लोग हैं घर घर में इनको जानते हैं पहचानते हैं। तो उपासना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस वेब सीरीज के लेखक निर्देशक ये दिनेश दुबे जी हैं और हमारे साथ केशवराय जी। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि बस ये 5 मिनट की कार्रवाई है, इसमें हमारे जो है कुछ कलाकार बैठे हैं सामने हमारा साथ देते दे। चिंतन बाकीवाला जी, सुरेश भोसले जी, सुनील पाल जी कृपया पधारें, गौरव शर्मा आप बहुत जतिन जी कृपया पधारें, आइए भाई ये बंद कर दो ना। ये थोड़ा सा ये बैकग्राउंड ध्यान रखिए। जी 5 से 10 मिनट का सत्र है, मैं जल्दी जल्दी इसको करता हूँ ताकि हमारे वेब सीरीज को आप देख सकें और हमारे कलाकार उसका उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस वेब सीरीज के जो लेखक निर्देशक हैं दिनेश दुबे जी, दुबे जी दो शब्द कहिए आप। नमस्कार भाइयों, आप लोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब इंतजार निकाल कर यहाँ पर आए हैं और हमारे कुछ बड़े कलाकार भी आए हैं और हमारे जो यूनिट के मेंबर्स हैं मैं सबके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हम लोग तो कैमरे के पीछे वाले लोग हैं, आगे बोलना तो जानते नहीं हैं, आगे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बोलेंगे, तो मैं यहीं से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये वेब सीरीज जो है उसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। वेब सीरीज जो आज लॉन्च हो रही है यहाँ पर, ये एक बहुत ही खूबसूरत पारिवारिक मनोरंजन है। वेब सीरीज पे इस तरह के साफ सुथरे कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है दिनेश दुबे जी का, अजय जसवाल जी का, जिन्होंने एक ऐसा साफ सुथरा कार्यक्रम बनाया है जिसे आप अपने परिवार के साथ देखते हैं तो नो प्रॉब्लम।
बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम है मुझे, स्टार्टिंग में थोड़ी सी लग रही थी पता नहीं क्या चीज होगी, लेकिन जब दिनेश सर ने बताया कि बहुत अच्छी चीज है आओ सुनाते हैं, गया सुना तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा और मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि अपने उदय भाई ने बताया कि ये पारिवारिक है, कोई इसमें मार धार नहीं है, बस हंसते मुस्कुराते रहो। अभी एपिसोड दिखाया जाएगा, आप देख सकते हैं किस तरह का है। थैंक यू सो मच। ऐसी उपासना जी से निवेदन है कि वो शब्द कहें। गुड इवनिंग जी, मैं दिनेश जी के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ और इन्होंने जब मुझे ये सब्जेक्ट सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उदय जी, हेमंत जी, जयशंकर जी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और मैं इस सीरियल की प्रॉब्लम ये बोल रहे हैं बहुत अच्छी प्रॉब्लम। थैंक यू, मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं मुझे बहुत मज़ा आया ये करके, क्योंकि आजकल आप देखते ही हैं कि जो भी वेब सीरीज पे है बहुत ही कई तो बहुत ही चीप और वल्गर डायलॉग्स हैं और क्या क्या दिखा रहे हैं, मुझे लगता है सेंसर होना चाहिए वहाँ भी। लेकिन ये एक ऐसा है जहाँ पे जैसा बताया सबने कि बहुत ही पारिवारिक है, बहुत मज़ेदार है और आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं, कुछ चीपनेस नहीं है। जैसे हम कपिल का शो करते थे तो उसमें भी अगर कोई चीप डायलॉग होता था तो हम निकाल देते थे, तो इसी तरह का ये शो है। और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बहुत पैसे खर्चे हैं इसमें और उम्मीद करते हैं कि सब लोग उसे पसंद करेंगे। तो अभी दो शब्द आप बोलिए। देखिए मैं अजय जी को आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ, मैं देवमणि पांडे शायर और सिने गीतकार हूँ। अजय जी ने शुरू में मुझसे कहा कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं, तो मैंने कहा आप कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर मैं आपके बारे में कोई शेर सुना दूँगा, तो बोले कि ठीक है। तो इनका जो काम है उसकी काम की तारीफ में मैंने चार लाइनें लिखी कि सफर में सभी हैं खबर है ये किसको, कहाँ मंजिलें हैं ठिकाना किधर है। सफर में सभी हैं खबर है किसको, कहाँ मंजिलें हैं ठिकाना किधर है, और उन्हीं को फकत राह देती है दुनिया जिन्हें ये पता है कि जाना किधर है। अजय जी मुझे तो भी आपको बहुत बहुत बधाई पूरी टीम। मेरा शो होता तो पास मांगते फ्री लग रहा है। मैं सबसे पहले अजय जी और इस सीरीज के डायरेक्टर और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, एक कलाकार होने के नाते पूरी टीम को बेस्ट विशेष दूंगा कि आपका ये वेब सीरीज खूब चले, खूब पॉपुलर हो। मेरे मीडिया मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको खूब प्रमोट करें और आप सबको आपको थैंक यू और मुबारकबाद कि आपने जो कलाकार चुने हैं वो मेरे फेवरेट कलाकार हैं। उपास रिन्ना जी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है हमारा और इंडिया में और बाहर भी बहुत उनके अनगिनत फैंस हैं, और उदय जी मेरे मित्र हैं और उदय जी ने आज मुझे खास यहाँ बुलाया तो उनके लिए मैं आया हूँ और बहुत खुशी हुई उपासना जी आपको देखकर। और जितने भी कलाकार हैं उनको मैं मुबारकबाद दूंगा और सच कुछ कहता हूँ अगर ये एक साफ सुथरी कॉमेडी है तो ये खूब चले और इसका खूब प्रमोशन आप करें और ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम। थैंक यू। और जान चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4 रूप तेरा सोना सोना सोने तेरे पायल, थनथना थन ऐसे झुमके दर्द सबको घायल, एक कह रहा खोका काजल इश्क में जीना मरना, एवरीबॉडी शावा शावा माही ना से शावा शावा आई से प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सर के बात मान ली सर आपको जो है बहुत गौरत रखती है और आपने देखा होगा कि हर जगह बीवी को साथ लेके जाते हैं, पता नहीं आज लाए कि नहीं, आ रही है
कोई बात नहीं, चलिए सुनील पाल जी के सम्मान में एक शेर कि कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, कितना शरीफ शख्स है कि पत्नी पे फिदा है, उस पर कमाल ये कि अपनी पे फिदा है। बहुत अच्छा शेर सुनाया देवमणि पांडे साहब ने। ये इनका नाम देवमणि सुनो लेकिन कभी मणि देते नहीं है, हमेशा देवमणि है, हमेशा पैसा लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत काबिल कवि है, बहुत ही टैलेंटेड राइटर है, ऐसा यहूदी मानते हैं पर हम भी मानने लगे आपकी शायरी सुनने के बाद। बहरहाल कम टू द पॉइंट, टी सीरीज की तरह अब वेब सीरीज भी हिट हो रहा है, यहाँ पर भी गुलशन गुलशन गुलफाम होने वाला है, सब सबके लोग सब लोग अपने टैलेंट को दिखाने वाले हैं। ये बीवी का फोन तो नहीं, अपना एक्सपीरियंस बता। तो मुझे यही कहना है कि फिल्म से ना टीवी से ना थिएटर से, क्या बात है, फिल्म से ना टीवी से ना थिएटर से ना कुछ भी ठिकाने से, दिल बहलता है मेरा वेब सीरीज आने से। ऐसे गाने इसलिए गा रहा हूँ कि आजकल कोई भी वायरल हो रहा है, पता नहीं कि क्या है। तो वेब सीरीज में जो लोग जुड़े हुए हैं खासकर सोशल मीडिया के गौरव शर्मा मुझे बता रहे थे, ये अभी अमेरिका जाकर आए, पता नहीं किसने बुलाया था इनको और पता नहीं कौन था जिसने भेज भी दिया वापस तो वापस आ गए गौरव शर्मा कभी आ गए। तो ये बता रहे थे कि अमेरिका में आप वेब सीरीज का इतना क्रेज है कि हर आदमी वेब सीरीज का दीवाना हो गया है, हाथ अपने उंगलियों पर वेब सीरीज आ गया है, मतलब सोशल मीडिया जो है आपके सोशल लाइफ में आ चुका है। तो उसी लिए शेयर करना चाहूँगी आप जितने युवा पीढ़ी उनको समर्पित करता हूँ, सभी के लिए युवा पीढ़ी का नाम लेकर मैं लपेट दे रहा हूँ कि दरवाजे पे लॉक ना हो, दरवाजे पे लॉक ना हो। ऐसा मान रहा कि शायर और कवि में उन्हें अच्छी चीज मुझे पता चली, मेरे गुरु ने बताया कि शायर और कवि में क्या फर्क है, शायर और कवि में क्या फर्क है। लोग ना मैं पोएट हूँ, इंग्लिश में पोएट हो जाता है, हिंदी में शायर, हम शायर हैं वो कवि, तो क्या फर्क है। तो बोले जिसकी उर्दू साफ साफ वो शायर और जिसकी हिंदी बहुत खराब वो भी शायर, मैं फंसना नहीं चाहती। तो दरवाजे में लॉक ना हो तो घर लूटने का डर होता है, दरवाजे पे लॉक ना हो तो घर लूटने का डर होता है, और मोबाइल पे लॉक ना हो तो घर टूटने का डर होता है। जोरदार ताली बजा दीजिए, फिर क्रिएट होती है प्रॉब्लम और फिर उसके बाद आप लोग अपने सोल्यूशन दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम आपके साथ में है और आपको उससे बाहर निकलना है तो ये म्यूजिक जरूर देखिएगा जिसका नाम है प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सारे ट्रेनेड कलाकार हैं, सबके बारे में सब अपने आप में इतिहास है और इनका सबका काम बहुत बढ़िया है। और एक लुक देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अभी तो फिलहाल वेब सीरीज पे आया है लेकिन दो चार एपिसोड के बाद ही ये प्राइम चैनल पे आ जाएगा और बहुत ही okay, ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है। तो आइए अजय जी आभार के दो शब्द कीजिए, कहिए आभार के बाद में मैं उपासना जी और सुदेश जी से निवेदन करूंगा कि एक वेब सीरीज और एक वेब पोर्टल आप बटन दबा के उद्घाटन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सब आए हमको सपोर्ट किया, थैंक यू। अजय जसवाल जी इस तरह से बोलते हैं, चलिए भाई आपके घर वाले कितने प्रसन्न रहते होंगे इतना कम बोलने से। अब मैं उपासना जी से और पर्दा देखिए, एक पोर्टल अपेक्षा फिल्म .com और वेब सीरीज प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, तालियां बजाइए, उद्घाटन हो गया है। जो वेब सीरीज है जैसे आप
एक साइलेंट में एक फ्यूचर ठीक है यहाँ पे माइक भी यहाँ रखने के लिए हो जाएगा इस पे माइक इसमें आपका जो मेन पावर है ना वेब सीरीज कॉन्सेप्ट के बारे में कहना जो आजकल बहुत पॉपुलर है क्या क्या कहना चाहिए इस बारे में क्या आपकी ओपिनियन क्या वेब सीरीज को लेकर और इस सेंटर में प्रॉब्लम को देखिए बहुत सारे काफ़ी टाइम से ऑफर्स आ रहे थे वेब सीरीज के लिए तो अभी मैं दो चीज़ें कर रही हूँ एक तो ये प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम और एक और है उसमें मैं इंटरव्यूज दूंगी उसका नाम है फायर द डिज़ायर विद उपासना सिंह वो इंटरव्यूज़ का प्रोग्राम है क्योंकि मुझे सब लोग ये कह रहे हैं कि आजकल जो है वेब सीरीज़ का ज़माना आ गया है और लोग उसी को इंजॉय करते हैं तो दिनेश जी के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ पहले भी सीरियल में और मुझे पता है कि ये टेक्निकली बहुत साउंड है उनको अपने काम का बहुत एक्सपीरियंस है तो मुझे जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं ये भी मिले और ये चाहते थे इन्होंने बोला कि ये रोल मैंने आप ही के लिए सोच के लिखवाया है तो ये सुनने के बाद मुझे जब कोई ये बात उन्होंने इतने अच्छे से मुझे कहा कि हम लोगों ने और किसी को सोचा ही नहीं उस रोल के लिए तो मैं इनकी वजह से इस शो में हूँ और फिर हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं इस शो में सारे कॉमेडी के मास्टर हैं उदय जी हैं हेमंत पांडे हैं जयशंकर जी हैं तो बहुत बहुत अच्छी टीम है और ये तो जो आपने देखा है ये तो क्योंकि एक इंट्रोडक्शन है उस शो की कि कौन किस तरह का कैरेक्टर है एक वकील है एक मैं हूँ जो कम सुनती हूँ लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं कम सुना मुझे कम सुनाई देता है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट टाइम मैंने इनके साथ काम किया तो मुझे लगा कि क्या कमाल के एक्टर हैं ये मैंने इनको पहले भी बहुत देखा था लेकिन इनकी टाइमिंग इतनी अच्छी है इतना मज़ा आया और हेमंत के साथ भी मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ तो एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही छोटी सी एक टीम है मुझे यहाँ काम करना बहुत बहुत अच्छा लगा मैम वेब प्लेटफॉर्म को कितना एंजॉय कर रहे हैं आप क्योंकि जो टेलीविजन है उससे ज़्यादा अभी वेब प्लेटफॉर्म पर है क्योंकि सुनील जी भी अभी जो है वेब प्लेटफॉर्म पर है शिल्पा शिंदे है क्या कहना चाहिए कितना एंजॉय कर रहे हैं और क्या डिफरेंस महसूस कर रही है अब वो भी मैंने किया जियो धन धनाधन प्रीति जी का शो था तो उसमें भी बहुत मुझे मज़ा आया वो तो उसके बाद कलर्स में भी आता था शो रात तो मैं इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मेरे को मेरे लिए ये नहीं है कि वो वेब सीरीज़ है या वो टीवी है या फिल्म है मैं हमेशा अपने काम को इंजॉय करती हूँ मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है मैंने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया है तो आज तक मुझे जो भी रोल्स मिलते हैं मुझे उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है और मैं कोई भी रोल करती हूँ तो मैं अपनी तरफ से उसे पूरा जस्टिफिकेशन देने की और पूरी अपनी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करती हूँ दिनेश जी आपसे क्या अनुभव रहा है जो शूट किया आपने और उपासना जी ने शो के वो क्या कहना चाहेंगे कितनी बड़ी उपलब्धि आपके लिए और किस तरह से लोग देखिए ऐसा है कि उपासना जी पहले भी काम कर चुके हैं फिल्म में भी काम कर चुकी हैं और सीरियल भी किया था उन्होंने और बाकी आर्टिस्ट भी हमने किया है साथ में मेरा भी 30-35 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में और काफ़ी काम किया है हमने तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा वेब सीरीज हमने पहली बार किया उपासना जी ने भी हमारे साथ पहली बार किया वेब सीरीज एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा बढ़िया लगा काम और वेब सीरीज की अवधि कम होती है ड्यूरेशन कम होता है तो उस ड्यूरेशन में सब कुछ दिखाना कितना बड़ा चैलेंज होता है डायरेक्टर के लिए चैलेंज तो हर जगह वही होता है सेम अब 10 मिनट दिखाई तो आधे घंटे दिखाई तो फिल्म भी 2 घंटे में पूरी कहानी दिखा देना तो चैलेंज ही होता है ना तो वो तो सेम चीज़ें हैं बस ये है कि उसको थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना सर आप कहते हैं प्रोड्यूसर आप शो क्या कहते हैं क्या आपको प्रेरित किया शो को प्रोड्यूस करने के लिए सर दिनेश जी स्टोरी लेकर आए तो और इन्होंने खास हमने उपासना जी के लिए प्लानिंग करके हम लोग लिख रहे थे सो और उपासना जी हाँ बोला दहिया साहब ने हाँ बोला तिवारी जी ना बोला तो इमीडिएटली हमने हाँ कर दिया उन्हें इमीडिएटली शूट कर रहे हैं बस सर आप कभी कॉमेंट टाइमिंग बहुत कमाल का क्या कैसा अनुभव था बहुत अच्छा
प्रोत्साहन वो था एक बहुत अच्छी बात है। उपासना जी के साथ पहले भी हमने एक सीरियल किया था तो साथ में और स्टेज शो भी हमने साथ में किए, तो इनके साथ काम करने का एक अनुभव पहले से है और एक टाइमिंग भी हमारी काफ़ी अच्छी है। और जयशंकर जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, लेकिन ये कमाल के एक्टर हैं और क्या एक्सप्रेशन देते हैं और बहुत शांत। और हेमंत जी के साथ पहले काम किया हुआ है तो ये ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार कोई काम कर रहे हैं। ये टीम पूरी की पूरी वापस से कोई एक नए प्रोजेक्ट पे आई और ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है और वेब सीरीज में जिस तरह से आप सभी जानते हैं किस तरह का दिखाया जाता है, लेकिन ये पहली बार साफ सुथरी एक परिवार के साथ देखने वाली कोई कॉमेडी एक सीरियल बना है, सीरीज बनी है, तो बहुत मज़ेदार है। लेकिन सर आज के दौर में फिल्मों की बात करें या टेलीविजन की बात करें, ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं जो कॉमेडी करते हैं, जो कि जो लीड एक्टर है वो कॉमेडी करते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में कि कॉमेडियन की कितनी कमी पड़ती है आज इंडस्ट्री में? एक्चुअली हुआ क्या है कि कॉमेडी इतनी हावी हो गई ना धीमे धीमे करके कि जो काम कॉमेडियन का था वो लीड एक्टर ने पकड़ लिया, तो कॉमेडियन बेचारा कहीं किनारे पे आ गया। लेकिन मेरे ख्याल से जो जिनका काम है उनको वही करने देना चाहिए, कॉमेडियन को कॉमेडी करने दो। आप हीरो हैं, आप हीरोइन के साथ देव के पास गाना गाइए, आपके लिए वो काम ज़्यादा शोभा देता है, तो ऐसा है। सर आप बताइए आपका कैसे अनुभव का काम कर रहा हूँ, क्या कहना चाहिए शो के बारे में? मेरा तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, इससे पहले चार्ट थे क्योंकि मेरे लिए सब नए थे, मैं चाह रहा था कि मतलब है इतनी बड़ी आर्टिस्ट इनको देखते आए हैं बहुत सारी फिल्मों में और शोज में, तो एक इच्छा थी कि इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। सर से भी पहली बार हम मिले अजय जी से और हमारे डायरेक्टर अजय जी से, और जिस तरह से कॉन्सेप्ट उन्होंने लाए बताया कि ये कॉमेडी है और करना चाहेंगे आप, मुझे उनसे बहुत पसंद आया। ज़्यादातर आप देखे होंगे मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत फेमस किया है, मुझे उसमें हंसी वाला चीज़ नहीं है सावधान किया, जब देखो कहीं मर्डर करवा रहा हूँ एक बार मुझे यदि कॉमेडी जैसा एक वो आया तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं चलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और थोड़ा सा किया जाए और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आज हमारे लिए बहुत ही लकी डे है, अजय जी की बेटी है अपेक्षा जिनके नाम पे उन्होंने ये होटल अपेक्षा फिल्म है, तो आज उनका बर्थडे है और वो बहुत लकी है इनके लिए, तो हो सकता है ये सीरीज भी हमारे लिए बहुत लकी है। से मेरी बेटी का बर्थडे आ गया, अरे इनका बेटी की बर्थडे है इसके बाद पार्टी। इसके अलावा लास्टली आपसे जानना चाहूँगा कि कपिल के कमबैक के लिए कितना एक्साइटेड है आप, क्योंकि बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जा चुकी है कि वो डिप्रेशन में है, और तो आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप उनसे ज़्यादा क्लोज रही है और शो में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी आप लोगों की, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि कपिल जो डिप्रेशन में गए हैं, इतने ग्रेट एक्टर हैं, इतने कमाल उन्होंने प्रूव किया है सारी दुनिया को कि वो क्या कमाल कर सकते हैं। हमारा शो नंबर वन पे रहा 2-2.5 साल और शायद जल्दी ऐसा मैंने भी सुना है कि जल्दी शायद हमारी पूरी टीम फिर से काम करे, तो मुझे लगता है अगर वही टीम वापस आ जाती है और वो शो दोबारा आता है तो उसको हिट होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सेम कैरेक्टर्स अगर प्ले करेंगे। मैं अभी भी जैसे पंजाब में थी तो मुझे शूटिंग करी थी एक पंजाबी फिल्म की, तो सब मुझे पूछ रहे थे उपासना जी आप कब आ रहे हो वापस, हम वही देखना चाहते हैं वापस वही शो, तो बस उम्मीद कीजिए कि जल्दी ऐसा हो और कपिल जल्द ठीक हो, और जब भी कपिल आएगा मुझे पक्का यकीन है कि वो शो भी कपिल और सुनील की जोड़ी के लिए भी लोग ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो आपको लगता है कि सुनील को भी वापस आना चाहिए शो में? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। फैमिली में कई तरह की टेंशन होती है, हम अपने घर में भी प्रॉब्लम हो जाती है, भाई बहन में हो जाती है, मम्मी पापा के साथ कुछ ना कुछ नोक झोंक हो जाती है, तो ये तो कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। और क्या ये बहुत अफसोस की बात है, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, मैंने तो आज भी किसी को बोली थी कि मीडिया पे भी सेंसर होना चाहिए मतलब आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि इसका ये शो नहीं चला या इसकी
टीआरपी ये है, लेकिन आप किसी की फैमिली लाइफ के बारे में कैसे बोल सकते हैं? मेरे बारे में भी अभी थोड़े दिन पहले किसी ने कहा कि उपासना सिंह का डाइवोर्स हो रहा है और आप देख रहे हैं मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। तो मीडिया का ये कहाँ भी, उनको ये हक कहाँ से कौन देता है कि